चल तो दादा हो आमा बागाइचा, चल तो दादा हो चानो बागाइचा, भारा मन करबहु सबा के बताबहु, भारा मन करबहु सबा के बताबहु। हाय नमस्कार दोस्तों, आज फिर मनोज कुमार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज चलिए हम, मौसम बहुत ख़राब है और जानहो में एक आम बागवानी है जो बिरसा हरित आम बागवानी के योजना का लाभ मिला था नरेगा से, उसे दिखाने का प्रयास करूँगा। आज घूम कर दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से लोग आम का बागवानी किए हुए हैं और इससे फ़ायदा उठा रहे। चलिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं, एक नदी है, नदी के घाट चल रहे हैं। ये देखिए बहुत बड़ा घाट है, इसमें पुल भी नहीं है और वो जो दिख रहा है उजला उसमें है, यहाँ पर मशीन लगा हुआ है जो आम बागवानी में पलमा रोजा घास किया गया था उसका तेल निकालने के लिए। चलिए यहाँ से मुड़ते हैं, ये रास्ता से जाते हैं आम बागवानी में, और आम बागवानी में जाने के बाद हम दिखाएंगे कि जो कितना हुआ। बहुत सारे झारखंड में आम बागवानी का लाभ मिला है लेकिन लोगों को पलायन अभी तक रुका नहीं है। और देखिए इन लोग के किस तरह सक्सेसफुल हुआ, देखिए ख़तरनाक रास्ता है और इसी रास्ता से हमको जाना पड़ रहा है आप लोग को दिखाने के चलते। तो ये देखिए यहाँ पर तो आरी मेढ़ा वाला है, मेरा गाड़ी भी जानते हैं कि किस तरह का है। तो चलिए आज हम प्रयास करूँगा कि टोटल यहाँ पर किस तरह से सक्सेसफुल हुआ है और कितना लोग फ़ायदा उठा पाते हैं और पूरा बागवानी कितना कितना हो गया वो सब दिखाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर आ गए, यहाँ पर बोर्ड है लिखल 26/4/2017 में यह योजना चालू हुआ था और यह योजना चालू होने के बाद आम बागवानी नरेगा से लगाया गया है। और लगाने के बाद फिर आप लोग के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे हैं। तो चलिए अभी हम आम बागवानी में घुस गया हूँ और ये देखिए यहाँ पर जो रास्ता है उसी के रास्ते के से जा रहा हूँ। तो देखते रहिए आप लोग, फिर हम पूरा घुमा के देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से। तो चलिए हम और अनीता दी सीआरपी हैं यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ लोकेशन के साथ फ़ोटो डाले हैं। और देखिए मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि हम लोग को आग ही तपाना पड़ा, आग ही तपा रहे, एक चूल्हा में आग ही लगा हुआ था। यहाँ पर है एक कैमरामैन है जो इधर फोटो ले रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम आम बागवानी का नज़ारा देख रहे हैं। आम बागवानी ये देखिए यहाँ पर लगा है, इसी आम बागवानी में आलू और सेमिया सेमी एगो होता है जो कलकतिया सेमी बोलते हैं वह है। यहाँ देखिए इधर बड़ा बड़ा पौधा हो गया है, अभी 3 साल से इस आम से फल लोग प्राप्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आमदनी उठा रहे हैं। देखिए कितना दूरी में है, तो ये 7 एकड़ में यहाँ पर है। देखिए बहुत लंबा दूरी तक लाइन जो दिख रहा है, तो बहुत लंबा दूरी तक है। तो 3 साल से मतलब यहाँ पर आम उत्पादन हो रहा है, लोग बेच रहे हैं और फायदा कमा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से आम फलता है, बहुत सारा आम यहाँ पर मालदा और आम्रपाली आम का अथी लगाया गया है। ये देखिए इस तरह से लोग इकट्ठा करते हैं और लोकल मार्केट में ही अभी बेचते हैं उसको पकाने के बाद। और ये देखिए इधर जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर अभी आम के साथ साथ क्या बोलेंगे यहाँ पर नर्सरी किया जाता है, नर्सरी आम के नर्सरी करके उसमें फिर कलमी, इसी टहनी से कलमी बना करके, और जहाँ पर आम बागवानी का इसकी मती हो रहा है तो यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो ये देखिए जो जनरेशन नहीं हुआ उसका मिट्टी पर यहाँ पर उसका मिट्टी मैंने गिरा करके अथी किया गया, कुछ पीट करके यहाँ देखिए चाल लिया गया, मिही कर दिया गया ताकि फिर से दोबारा उसमें प्रयास किया जा सके। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर उधर जो देख रहे हैं उधर बेड है, नर्सरी है दोस्तों। ये नज़ारा जो देख रहे हैं यहाँ पर नर्सरी होता है, नर्सरी आम का होता है और यहीं से सप्लाई भी किया जाता है। तो चलिए वीडियो लंबा होता है दोस्तों, मुझे गाना गाने का बहुत शौक़ है और मेरा इंटरेस्ट है, हर किसी बात को मैं गाना बना देता हूँ। तो चलिए मनोरंजन भी बीच बीच में करते जाते हैं, इसके बाद आप लोग क्या और बताते हैं आगे। सारा सो फुलाई के लैता हो अम्मावा मान चरले, सारा सो फुलाई के लौता हो अम्मावा मान चरले, तब नहीं रुकले मजतुर
पलायन दादा हो काबो नहीं रुकल झारखंड से मचतुर की पलायन हो। तो चलिए दोस्तों, इस गाना के बाद फिर हम और आगे दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये देखिए जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब नर्सरी है और ये कला कला जो है ना वो ट्यूब है। उस ट्यूब में हम सड़ा हुआ गोबर और चला हुआ मिट्टी को भरते हैं और उसमें आम का बीज डालते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जर्मिनेशन भी हुआ है कुछ कुछ। इस वर्ष ज़्यादा नहीं सेलिंग हो पाया था तो कुछ कुछ बच गया, और जो नहीं जर्मिनेशन हो पाया उस सब टी को यहाँ देखे उसको खाली किया गया है। इसी का मिट्टी जो है ना, इसका मिट्टी वहाँ पर जमा किया गया है। यहाँ देखे इसमें जो गड्ढा गड्ढा बनाया हुआ है, वहाँ देखे आगे पर वो छोटा छोटा दिख रहा है, वो सब आम आम का पौधा है। और आम का पौधा इसमें अभी जो है से जो बड़ा बड़ा आम है उसका टहनी से काट करके और इसमें सेट करना रहता है, कलमी बनाना रहता है, कलमी, ताकि बहुत जल्दी ये फलने लगे। अगर वो जो जर्मिनेशन के बीच से उसको फलने में बहुत समय लगता है, और इसी में सेट करके उसको कटिंग करके जो सिस्टम होता है, सिस्टम से बनाने के बाद 3-4 साल में चाहे जैसे जल्दी में ही फलने लगता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें किया गया था, इसको खाली किया गया है, और यहाँ देखिए अभी दिख रहा है दोस्तों आम का जो है यहाँ प्लांटेशन हुआ था। ये सब पौधा है जो जनरेशन हुआ था, ये सब देखिए तो कितना बढ़िया है। कहा जाता है कि आम तो है, यहाँ पर आम का पौधा लगा दिया गया इस खेत में। फिर पलमा रोजा से लोग तेल निकाले, तेल 2500 रुपये लीटर बिका, जो शुरू दिखाए थे वहाँ पर मशीन लगा है उसमें पेराता है। और पलमा रोजा घास ऐसा होता है जो औषधीय पौधा है, उसको सेंट साबुन इत्यादि यथी में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका एक वर्ष में 3 बार तेल निकाला जाता है काट काट करके। अभी तो पूरा खाली कर दिया गया है, तो देखिए अभी उसको जब खाली किया गया तो दूसरा तरह के यहाँ पर विधि व्यवस्था लगा गया कि जो यहाँ पर जो सरकार द्वारा बिरसा हरिताम बागवानी दिया जाता है उसके द्वारा जहाँ पर योजना पास होगा तो यहाँ से उठा करके सरकार वहाँ पर पौधा सप्लाई करेगी। तो इसलिए यहाँ पर दीदी बग्या, इस योजना का नाम है दीदी बग्या योजना के तहत यहाँ प्लांटेशन किया गया है इसी आम बागवानी में। तो देखिए कितना बड़ा है, साल भर में एक वर्ष में आम का पत्थी मिल जाता है। देखिए और पौधा है, पपीता भी है, फिर केला आप लोग देख रहे थे, इसमें यहाँ देखिए पपीता है। तो बहुत तरह के इसमें अथी करके और फायदा कमाया जा सकता है। तो अगर लोग अगर चाहे कि हम अगर अच्छा तरह से आम बागवानी को ठेकेदारी के रूप में नहीं दे करके आजीविका वृद्धि आजीविका संवर्धन करने के उद्देश्य से करें तो उसका यहीं पर ज़िंदगी सेटअप हो जाएगा। तो लोग बहुत से देखे हैं कि हमारा पंचायत में आम बागवानी का योजना लिए हैं, लाभ लिए हैं, लेकिन उसका होता क्या है कि जब बस सरकारी है तो उसको ना तो बढ़िया से देख रेख करते हैं, ना घिरानी करते हैं, और नुकसान हो जाता है। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर दिख रहा है, ये सब देखने का ज़रूरत है। इसलिए आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि जो इस तरह के अपना खेत में आम बागवानी लगा करके बहुत तरह के फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी खेत में टमाटर किया जाता है, इसमें आलू किया जाता है, इसमें सेमी, और शुरू शुरू हम दिखा रहे थे वीडियो, उसमें रहर भी दिख रहा था आपको, और बहुत तरह के इसमें बती करके और आमदनी का जरिया बनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए एक गाना और आप लोग के सुनाता हूँ। आम कर बगिया में साथे तूनो खेलाली कूदली है रे खेलाली कूदली, आम कर बगिया में साथे तूनो खेलाली कूदली है रे कैसे करली, अब कहाँ याद करबे पीरतिया अब तो भेले तू बेमा, अब कहाँ याद करबे पीरतिया अब तो भेले तू बेमा। ये दोस्तों देखिए जो अभी देख रहे थे, घूम रहे थे, वो हमारे JSLPSA LCRP हैं अनीता दी, और ये देखिए कमलेश सुराम जी हैं जानो के, जो इनका आम बागवानी को बेहतर बनाने में बहुत इनका योगदान रहा। तो ये देखिए यहाँ पर है जो मशीन बता रहे थे, जो तेल निकालने वाला मशीन है, और आज इतना ठंडा है कि लोग देखिए छोटे छोटे बच्चा आगे जुराने के लिए काठी ले रहे हैं। तो इसमें ट्रैक्टर रहता तो वो भी ट्रैक्टर चोरी हो गया, और वहाँ पर उसमें इस मशीन में वहाँ पर अति किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक हॉल बनाया गया था जो ट्रैक्टर रखने के लिए, और उससे नीचे देखिए बहुत तरह के विधि व्यवस्था बनाए गए, वहाँ पर गोबर गैस का प्रयोग किया जाता है, और गोबर गैस से उधर लाइट जलाया जाता है, और तरह के
एनर्जी वाला काम किया जाता है। तो दोस्तों बहुत तरह के यहाँ पर डेवलप किया गया है, अगर हर गांव में इस तरह से किया जाए तो लोगों को मैंने हमको लगता है कि बहुत बढ़िया होगा और आजीविका अपना गांव में ही कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत यहाँ पर नदी है, एक घाट जो धीरे धीरे हम उतरने का प्रयास कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरह का है। देखिए यहाँ पर पानी है, यहाँ डेगना तो देख सकते हैं लेकिन चढ़ाना ऊपर घाट अनपॉसिबल लगता है, इसलिए फिर हम यहाँ से फिर हम गाड़ी को बैक करेंगे और पीछे से घूरेंगे और फिर साधवाडी होते